गंगा नदी के समीप बसा हुआ उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर में आपका स्वागत है। इसमें बेल पत्र हैं और कुछ फूल हैं। चलिए चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। जय गंगे मैया, जय श्री आनंदेश्वराय नमः। गंगा नदी के समीप बसा हुआ उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर में आपका स्वागत है। जय गंगे मैया। बढ़िया, बाबा के दर्शन हो गए, गंगा जी के दर्शन भी हो गए। चलिए चलते हैं, अब कनपुरिया नाश्ता करते हैं। भांग की ठंडाई भी मिलती है। भांग की ठंडाई जब आप कहेंगे तब, और शादी में भांग के मिलाई जाएगी। कितना पावर रहता है इसका? अब ये पावर का हिसाब नहीं है, मतलब पी लिया कितना देर तक हम होश में रहेंगे। एक घंटे बाद जो है आपको महसूस, एक घंटे बाद महसूस होगा शादी। शादी शादी अब कहीं ज़्यादा महसूस हो गया तो दिक्कत है, पूरे दिन कानपुर में खाते ही रहेंगे। शक्कर हल्की लेंगे, हल्की, थोड़ी सी चीनी बस, वह हल्की दीजिए। ये कैसे डाले हैं? कफ सिरप का बोतल में क्या रखे हुए हैं? ये क्या है? ये एसेंस है। एसेंस क्या चीज़ का? ठंडाई में ज़्यादा क्या चीज़ है? इलायची, बादाम, काजू जाता है, जितना मेवा है सब जाता है, और दूध। काली मिर्च, छोटी इलायची, खूब सारे मेवे और दूध से तैयार की गई ठंडी, बिल्कुल गले में जाके काली मिर्च लगती है, रिफ्रेशिंग है। और आप चाहें तो शादी भी ले सकते हैं, भांग के साथ भी ले सकते हैं। भांग के साथ मैंने नहीं लिए, मैंने शादी लिए, क्योंकि पूरे दिन कानपुर में घूमना है और खाना है। ब्रेड मक्खन, इसके अंदर में भुना जीरा और नमक, काला नमक। ये है मट्ठा। अभी इस वक्त हम लोग लाजपत भवन से लगे हुए फुटपाथ पे हैं। यहाँ पे एक दुकान है पंडित जी की, जो कि ब्रेड मक्खन लगाते हैं, साथ में मट्ठा देते हैं। ये यहाँ पे 1985 से हैं। सबसे अच्छी बात, जिस तरह से उन्होंने अपना सिटिंग बनाया हुआ है वो देखें, और कोई ज़्यादा तामझाम नहीं, अपना साइकिल से आते हैं। गर्मियों के समय सुबह 6 बजे आते हैं, 11 बजे तक दुकान इनकी रहती है, और सर्दियों में 7 से 12 यहाँ पर रहते हैं। कितना ही लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं, चाहे वो ब्राउन ब्रेड खाएं, मल्टीग्रेन ब्रेड खाएं, लेकिन मज़ा खाने में इसी ब्रेड को आता है, सफ़ेद मैदे की ब्रेड।
और मक्खन भी इसमें लगाए खाने में मज़ा आता है। बढ़िया फ्रेश मक्खन है, मीठा मक्खन, और साथ में अंदर में भुना जीरा और काला नमक, उसका भी बहुत ही उम्दा जायका है। और मट्ठा पीते हैं। हल्का खट्टा है लेकिन मट्ठा है। बटर मिल्क बोलिए, छाछ बोलिए या छाछ बोलिए, और सुबह के समय गर्मी में मिल जाए तो बिल्कुल जैसे अमृत है। चलिए राय जी, धन्यवाद। हेल्दी नाश्ते का उत्तम प्रबंध है। ऐसे कई सारे यहाँ पे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको सुबह के समय स्प्राउट्स मिलता है खाने को। इसमें मेथी, मूंग, चने, सोयाबीन, मूंगफली, बादाम और प्याज, अदरक, हरी मिर्चें, नींबू सब मिला के एक स्प्राउट चाट बन जाती है और लोग नाश्ते में खाते हैं। अगर आप चाहें तो पैक करा के भी ले जा सकते हैं। ये 20 रुपये का एक पैकेट है। और ये दुकान है सुबह मॉर्निंग में शुरू होती है और 11:30 बजे तक ख़त्म हो जाती है। क्यों, आप कितने साल से लगा रहे हैं दुकान? 13 साल हो गए आपको। अरविंद शर्मा जी लाजपत भवन के बिल्कुल बाहर बैठते हैं, पंडित जी की दुकान, जहाँ ब्रेड मक्खन मक्खा खाइए, साथ में यहाँ पे आइए अरविंद जी के यहाँ और अपना स्प्राउट्स खाइए। क्या अब बम बम रहिए। जय भोलेनाथ। सौरभ जी, कब से है आपकी दुकान? ये हमारी 3री पीढ़ी है, हम खड़े हैं। पहले मेरे बाबा थे, फिर पापा हैं, फिर हम आए। और आपके यहाँ पे छोले चावल और ये खस्ते, हाँ, दो डिशेस मिलती हैं। हाँ, दो डिशेस मिलती हैं। वैसे खस्ता इसलिए बोला जाता है कि कड़क होता है, हाँ, एक करारा होता, हाँ, है, करारा इसलिए होता, खस्ते बोला जाता, खस्ता है, खस्ता बोला जाता है। और जो उसकी स्टफिंग होती है वो जगह जगह चेंज होती है कि यही रहती है हर जगह पे, मूंग दाल की, बेसन की? सब लोग अलग अलग करते हैं। हमारे यहाँ मूंग की दाल भी रहती है, बेसन रहता है, कुछ मसाले पड़ते हैं, सौंफ ऑफ मिला के, 2-3 मसाले पड़ते हैं, उसको मिला के ही इसमें स्टफिंग की जाती है। और ये जो छोले हैं, ये भी मसालेदार गाढ़े छोले हैं, इसमें भी तरी बढ़ाएंगे। तो छोले की तरी होती है? हाँ, ये छोले की तरी बनाई जाती है अलग से। तो एक खस्ते के साथ में आलू, छोले, रायता, खटाई और मीठी चटनी, हाँ, मिर्चा। और कितने का एक खस्ता है? एक खस्ता 20 रुपये का है। तो कहा जाए तो कानपुर का सबसे पारंपरिक नाश्ता यही है। हाँ हाँ, कानपुर का सुबह सुबह सबसे पारंपरिक नाश्ता यही है, खस्ते। हमारे लिए एक पीस खस्ता लगा दीजिए। बिल्कुल लगाते हैं आपके लिए पीस खस्ता। ये है खस्ता, साथ में छोले, दही, मसाले वाले आलू, तली हुई मिर्च, इसके अंदर स्टफिंग की गई है, सौंफ है, मूंग दाल है और बेसन है, और अलग अलग परत आप देखें बिल्कुल फ्लेकी। ये है सौंठ, मीठी सौंठ। ये खस्ते में छोले और आलू लगाया, साथ में थोड़ी मीठी सौंठ। बहुत ही उम्दा। और बहुत सारे लेजेंड्स हैं कानपुर में खस्ते के, इसे खस्ते भी बोलते हैं, बहुत लोग इसे खस्ता कचौड़ी भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे खस्ते के नाम से प्रसिद्ध है। सौंठ का मतलब होता है ड्राइड जिंजर, जो सूखी अदरक होती है उसे सौंठ कहा जाता है। उसके साथ अमचूर मिला के, खरबूजे के बीज मिला के ये चटनी तैयार की जाती है। ये जो छोले हैं मसालेदार हैं, लटपट है और बहुत ही उम्दा है। एक अलग डिस्टिंक्ट फ्लेवर होता है यूपी में जो आप छोले खाते हैं, खासकर ईस्टर्न यूपी के साइड में, या आप कहें पूर्वांचल की तरफ जाते हैं, उसका एक अलग ही फ्लेवर निकल के आता है, जो दिल्ली के छोले और पंजाब के छोलों से काफ़ी अलग है। मतलब जो मसाला होगा वो डार्क कलर का होगा, हल्की सी ग्रेवी होगी, जो लटपट होता है वैसा बनाया गया होगा, और जो गरम मसाला है उसका बहुत ही उम्दा फ्लेवर होगा। बेस्ट खस्ता एवर हैड।
चले सौ फिर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया खस्ते लगे आपके, कैसा लगा था? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हम लोग इस वक्त आगरा जैन जलेबी भंडार पे हैं। जलेबी ली है हमने, साथ में दही ली है। जलेबी 200 रुपए किलो है, डालडे में पकाई जाती है, छोटी और क्रिस्प है। पूरे हिंदुस्तान में जलेबी कई तरीक़ों से खाई जाती है। कहीं पे इसे दूध के साथ खाते हैं, कहीं पे रबड़ी के साथ खाते हैं, उत्तर प्रदेश में दही के साथ खाई जाती है। ये जो कॉम्बिनेशन है जलेबी दही का, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा कॉम्बिनेशन है। दही के साथ जलेबी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि जो जलेबी की मिठास होती है वो थोड़ी हल्की हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो आइए जायका लिया जाए। फर्स्ट क्लास करारी जलेबी, एकदम खस्ता और दही की हल्की मिठास, बहुत शानदार। साबर तोड़ चाय बन रही है, एकदम भयंकर भीड़ लगी हुई है राजू टी स्टॉल पे। कस्टमर्स आ रहे हैं और चाय चल रही है। कोई चुक्के में ले रहा है, तो कोई पन्नी में पैक करा रहा है, तो कोई केतली में पैक करा के ले जा रहा है। चाय बहुत बढ़िया थी, अब एक बन मक्खन लेते हैं, उसके साथ भी चाय पीते हैं। ये बढ़िया है, ऊपर सफ़ेद तिल लगा हुआ है, अंदर में अमूल मक्खन और भुना हुआ जीरा। बढ़िया, बन में भी सौंधापन आ गया और साथ में तिल भी हल्का भुन गया, सॉफ्ट बन। चाय बहुत शानदार है, अच्छे से पकी हुई, कोयले पर पकाई गई है। चाय टेस्टी, हाँ चाय टेस्टी है, और साथ में अपना दूध पत्ती सब कुछ एक साथ डाल दिए हैं, अपना पक रहा है। और काफ़ी क्वांटिटी में चाय बनाते हैं, इतने सारे पतीले में दूध भरा हुआ है इनका। बहुत अच्छा इनकी सेल है, अभी रात को 8 बजे तक भी ऐसे ही। अच्छा, अभी कानपुर में तो इतना खबर में था बीच में, सभी चाय वाले और चाट वाले, इन्होंने कहा लॉकडाउन में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, तो किसी ने कितनी प्रॉपर्टी खरीदी है। कानपुर में दुकानदार जल्दी बात नहीं करते, पता नहीं क्या हिचकिचाहट है, हेजिटेशन है, बोलते हैं भाई आपको जो करना है साइड में कर लीजिए, खा पी लीजिए, लेकिन हमारे बारे में हमसे मत पूछिएगा कि कब से है, कितनी सेल होती है, क्या होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहिए। लगता है वही जो घटना हुई है उसके बाद से। अच्छा राजू जी, धन्यवाद। चलिए शिवम जी, कब से है आपकी दुकान? मेरी दुकान 50 साल हो गया लगाते यहाँ। आपने शुरू की थी? मैंने शुरू किया था। क्या बात है, तो काफ़ी मतलब मैं पढ़े लिखे नहीं है साहब, गरीबी अवस्था में आके यहाँ यही सब धीरे धीरे धंधा करने लगे हैं। कानपुर के? नहीं, हमारा पड़ेगा जिला जौनपुर, रहने वाले जौनपुर के हैं। अब कानपुरिया है ना? हाँ, अब तो मान लीजिए कितना दिन हो गया तो हो ही गए हैं। और सर कितने तरह की चाट आपके यहाँ मिलती है? इसमें सर गाजर है, टमाटर है, केला है, अमरूद है, सेब है, पपीता है, चुकंदर है, और सर जो मौसमी चीज़ होती है वो सब डालते हैं। ककड़ी आ गई, अब ककड़ी भी हो गई, खरबूजा आएगा, खरबूजा हो जाएगा, आम आएगा, आम हो जाएगा, सेब है, ये सब हैं मौसमी चीज़, चना है, सोयाबीन है, मोठ है, चटनी है, ये सब पूरे हैं। पूरे तरह का बनाकर स्वादिष्ट चाट देते हैं, लोग खाते हैं, पसंद करते हैं कि यादव जी की चाट चटपटा कर रही है। यादव जी अगर कलाकार हैं तभी बना कर देते हैं, जब तक लोग खाने के पाते नहीं तब तक जीभ चुटपुट करते रहती है, जब खाने लगते हैं तो जीभ से स्वाद मिलता है, फिर यादव जी को याद करते हैं। तो यादव जी हमको कौन सा चाट खिलाइएगा? सब मिला खिलाएंगे।
तेरी चाट खैबा बाबू जब याद आई चाट की तब हमको याद करबा नगरिया में ना। इसी के साथ यादव जी की स्पेशल मिक्स फ्रूट चाट इस दोने में आ गई है, जिसमें कई तरह के फ्रूट्स हैं, सेब है, पपीता है, उसके बाद इसमें आपके पास ककड़ी है जो अभी बिल्कुल इसका सीज़न शुरू ही हुआ है, साथ में केला भी है, फिर स्प्राउट्स भी है, सोयाबीन भी है, चुकंदर भी है, दो तरह की चटनी है, खट्टी मीठी धनिया पुदीने वाली, साथ में फ्रूट चटनी, फिर भुना जीरा, काला नमक और नींबू, इन सबको मिला के मिक्स फ्रूट चाट तैयार हुई है। और यादव जी का अंदाज अनोखा है, बस चाट उम्दा होनी चाहिए। अब जायका लेते हैं। इसमें एक सेब, ककड़ी और केला तीनों मिला के खाया जाए। चटपटी, खट्टी मीठी, मसालेदार, ये मिक्स चाट है। जायका के साथ साथ पौष्टिकता भी है। यहाँ पे कानपुर में स्प्राउट खाने का अच्छा खासा प्रचलन है, मतलब स्प्राउट्स, फ्रूट चाट, साथ में जो वेजिटेबल जूस होते हैं वो हो गया, वो आपको सुबह के समय में जगह जगह मिलेगा। फ्रूट चाट खाने का असल मज़ा अंतिम में आता है, जब आपके दोने में ये रस्सा बचता है। असल मज़ा, असल स्वाद इसी में ही है। हाँ, क्या बात है। हम केला इसीलिए तो खाते हैं बाहर में, ताकि मसाला लगा मिल जाए। हाँ, ये हुआ ना बात, अब इसमें आएगा असल जायका। अच्छा यार जी, अच्छा साहब, धन्यवाद। यहाँ लिट्टी बना रहे हैं, बाटी। जी हाँ। और क्या होता है ये मसाला में? ये चने की सत्तू है और इसमें मसाले हैं। क्या क्या मसाला डालते हैं? लहसुन, अदरक, मिर्चा, जीरा, अजवाइन, सौंफ, सरसों का तेल, भरुआ चार का मिर्चा, काला नमक, नींबू। ये मंगरेला डालते हैं? नहीं, मंगरेला। जी हाँ, मंगरेला पड़ता है, वो तो मेन है जी। अगर बिहारी लिट्टी है तो अगर उसमें मंगरेला जरूर होगा, है कि नहीं? और कंडे पे बनाते हैं। जी जी। तो कितना साल हो गया है दुकान को? ये हमको हो गए जो है 1992 में हमने चालू किया था लखनऊ से, फिर हम आगरा में गए, आगरा में संजय पहले से हमने लगाया, फिर उसके बाद कानपुर में। सबसे अच्छा रिस्पांस कहाँ मिला, लखनऊ, आगरा से या कानपुर में? पहला रिस्पांस हमको मिला था आगरे में, दूसरा यहाँ पे कानपुर के। आगरा में लोग खाते हैं? जी हाँ। बाटी हम तो आगरा में कभी सुने नहीं। संजय पैलेस में हमारी दाल बाटी का शॉप था। दाल बाटी अलग है लेकिन लिट्टी चोखा अलग है। दाल बाटी चोखा यहाँ पर भी जो है दाल भी चल रहा है। अच्छा, यहाँ दाल बाटी चोखा मिलता है? हमको लगा जो बिहारी वाला लिट्टी चोखा होता है। नहीं, दोनों है, पश्चिम और बिहार का दोनों। तो लोग ज़्यादातर दोपहर के खाना पसंद करते हैं या शाम के समय आते हैं या रात? दोपहर में। दोपहर में चलता है, 5 बजे तक चलता है हमारा, 6 बजे तक। और सुबह कितना में चालू कर देते हैं? सुबह वही दोपहर में जो है 12 बजे के बीच लगता है, 12 से लेकर 5, मतलब दोपहर दोपहर का काम है जी। लेकिन जो बाटी राजस्थान की होती है उससे कोई कंपैरिजन नहीं है, ये सत्तू वाली लिट्टी है, सत्तू वाली बाटी बोल दीजिए। ये बड़े से कढ़ाई में कंडे हैं जिसे उपला भी कहते हैं और अंग्रेजी में काउडंग केक कहा जाता है। इसको अच्छे से जला लिया गया, अब इसमें बाटी डाली जाएगी। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है बाटी बनाने का या लिट्टी बनाने का वो यही है जो आजकल लोग कोयले पे बनाते हैं, उसका स्वाद और इसके स्वाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब ये 5 मिनट और सेका जाएगा, उसके बाद इसको गमछे में डाल के इसके जो पूरी राख है वो साफ़ कर देंगे, वो झाड़ देंगे, उसके बाद चोखे के साथ उसके लोग खाते हैं।
घी में डूबी हुई बाटी, हाँ बिल्कुल गर्मा गर्म, अंदर में स्टफिंग की गई सत्तू की, हालांकि कम मात्रा में, धनिया पुदीने की चटनी, प्याज, खीरा, फ्राइड हरी मिर्च और ये आलू बैगन टमाटर का चोखा है। आइए अब इस लिट्टी का जायका लिया जाए। जो सत्तू का फ्लेवर है वो तो बहुत ही बढ़िया है, बस एक ही चीज़ कमी मुझे लग रही है, वो है कि जो आटे की मात्रा है वो ज़्यादा है, तो वो थोड़ी कम करने की आवश्यकता है, बाकी बना ठीक है। अच्छा रावत जी, धन्यवाद। ये अरहर की दाल है और ऊपर में ये जो है घी, घी तो बिल्कुल एकदम लबालब है, भरपूर मात्रा में घी का इस्तेमाल करते हैं। ये तंदूरी रोटी घी में चुपड़ी हुई और साथ में इनकी सबसे प्रसिद्ध मीठी डिश खीर। भाई साहब बहुत ही उम्दा। मतलब इससे बढ़िया अरहर की दाल मैंने नहीं खाई। जो तड़का लगा हुआ है वो बेसिक है, बिल्कुल जीरे का तड़का, खूब घी में और साथ में धनिया पत्ती। मुझे कोई बता रहा था इस ढाबे के बारे में कि यहाँ पे लोग आके टेबल के पास खड़े हो जाते हैं और खड़े होके अपनी उंगलियाँ रख देते हैं ताकि जैसे ही कस्टमर जो दूसरा खा रहा है वो उठे और बैठ जाए, ऐसा है ना, अगर किसी ने बताया। अभी लंच का समय तो काफ़ी लोग ऑफिस से भी आए हुए हैं और जो लोग बाहर से विज़िट कर रहे हैं काम के लिए वो भी यहाँ पे। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे यही खा के संतुष्टि मिलती है, चाहे आदमी कुछ भी खा ले, लेकिन दो तीन दिन बाद हमेशा बंदा ये ढूंढता है कि कहीं पर सादी दाल मिल जाए, रोटी मिल जाए या सिर्फ चावल दाल मिल जाए। तो एक तरह से ये सोल फूड है, कंफर्ट फूड है और शादी खाने में अच्छी स्वाद है। कितना घी लगाया मैं, मतलब घी से रोटी को नहला दिया, दाल में भी घी और रोटी में भी घी। ये खाना खाने के बाद आप कह सकते हैं सिंपल फूड इज़ ऑलवेज द बेस्ट, मतलब जो सादा खाना होता है उसका जायका बेहतर होता है जो कॉम्प्लिकेटेड डिशेज होते हैं उसके मुकाबले। वाह, इनके ऊपर मलाई की छाली। वाह, और घी की कंसिस्टेंसी उतनी गाढ़ी भी नहीं है, इस तरह से हम लोग घरों में खीर बनाते हैं, सिंपल दूध, चावल, शक्कर, थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल के, वैसे ही है। और जो खीर पकाने के बाद हल्का सा नीचे खीर लग जाता है तो उसका सोनापन होता है वो भी इसमें आ रहा है। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्षद भाटिया जी। सर, कब से है आपकी दुकान यहाँ पे? सर, ये 1967 से है, इट्स बिन नाउ 55 ईयर्स सिंस वी आर रनिंग दिस। सो ये तब से मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, फिर मेरे ग्रैंडफादर ने टेक ओवर किया एंड तब से ही हैज बीन रनिंग सक्सेसफुली यहाँ पे। तो फोर्थ जनरेशन है? हाँ जी, फोर्थ जनरेशन है जो मैं अब आ रहा हूँ यहाँ पे। तो आपके यहाँ पे सिर्फ शाकाहारी खाना मिलता है? प्योर वेज सर, प्योर वेज एंड वी ओनली यूज देसी घी, देसी घी के अलावा और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल प्लेन प्योर वेज होममेड फूड जैसे है अपना, जो लोग क्रेव करते हैं बस वही हम लोग सर्व करते आ रहे हैं पिछले 55 इयर्स। आपके और भी आउटलेट्स हैं? नहीं नहीं, कानपुर में यही है जी, सिर्फ यही है। हाँ जी, एक हमारा कैटरिंग का है और एक हमारा ही रेस्टोरेंट है। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने खाना खाया आपकी अरहर की दाल खा के, बस इतना ही कह सकता हूँ मैं कि सिंपल इज़ द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ काम जाम नहीं था उसमें, लेकिन बहुत ही उम्दा दाल थी, मतलब सादी दाल, जीरा का तड़का लगा हुआ बस बस सर, लेकिन टेस्ट उसका जो घी की क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया थी। चलिए अर्षद, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे इसे खुरचन बोला जाता है, आप इसे खुरचन रोल कह सकते हैं। खुरचन जो हम खाते आ रहे हैं वो बिल्कुल मलाई की परत होती है, उसके ऊपर में आप एक
लेयर के बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर चढ़ाते चले जाते हैं। ये खुरचन है, इसके अंदर में स्टफिंग रबड़ी की है। और ये बब्बू खुरचन भंडार बहुत ही पॉपुलर शॉप है कानपुर में खुरचन के लिए। आइए अब जायका लिया जाए। बहुत ही शानदार खुरचन है। कई जगहों पर क्या करते हैं, खुरचन के ऊपर में शक्कर का भूरा लगा देते हैं, या फिर जब एक मलाई की परत आती है उसके ऊपर शक्कर का भूरा लगाते हैं, फिर मलाई की परत डालते हैं, फिर भूरा डालते हैं, फिर मलाई की परत लगाते हैं, उससे काफ़ी तेज़ मीठा हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, जो मीठापन है, वो खुद खुरचन का ही है। जो हल्का मीठापन आ रहा है वो आपका रबड़ी का है, वो भी ओवर स्वीट नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड। ये दूध की बर्फ़ी है, ये लाल बर्फ़ी है। दूध की मिठाई या दूध की बर्फ़ी जो बोल रहे हैं, उसका टेक्सचर बिल्कुल कलाकंद से मिलता जुलता है, दानेदार है। और दोबारा कहूँगा मीठा बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब ये लाल बर्फ़ी ट्राई करते हैं कि ये लाल बर्फ़ी है, ये भी दूध से तैयार की गई है। ये तो मिल्क केक है। एक ही शब्द कहूँगा इस दुकान के बारे में, वो है प्योरिटी। जैसे हम कुल्लड़ बोलते हैं कानपुर में, उसे हुंडा बोला जाता है। और उसमें ये बिल्कुल गाढ़ी लस्सी है, हुंडा गुंडा नहीं, हुंडा लस्सी। बहुत बढ़िया। और इस मलाईदार लस्सी के साथ हम अपने आज के कानपुर के जायके का सफ़र समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे कानपुर के किसी नए इलाके में नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। धन्यवाद शिवम जी, आपने बहुत अच्छे से प्यार से हमें कानपुर पूरा घुमाया है, कानपुर की एक एक चीज़ें हमें खिलाई है। आप भी कभी कानपुर आएँ तो शिवम जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शिवम जी अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9140472363। ठीक है शिवम जी, धन्यवाद।